पीछे है 3 इडियट शूटिंग पॉइंट और ये पूरा ब्राउन वाटर। अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है, सामने का व्यू जितना ब्यूटीफुल है मेरे राइट साइड का व्यू उतना ही स्कैरी है। ये देखो हुंडई इयोन केरला टू यस्तिस चांगला पास, भी हम लोगों को यहाँ पे इन्होंने रोक दिया है और इनका कहना है कि आगे ब्लास्टिंग हो रही है। ये देखो सारे लोग भागने लगे, यानी कि अब वहाँ पे करने जा रहे हैं। ये देखो आग लगा दी इन्होंने ब्लास्ट करने के लिए। टाइम हो रहा है 9:46, यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे, ये ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे, इनका ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, लाइफ में कभी भी मौका मिलता है। मॉर्निंग मैंने आपको दिखाया था पानी का कलर एकदम ब्लू था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसा है वो आगे चल के दिखाते हैं। बाइक हमारी लोड हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दी है, अब नीचे चलते हैं। पेंगोंग के किनारे किनारे रोड है, उस पर थोड़ी देर घूमेंगे, कुछ पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से दुर्बुक खरू होते हुए पंग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे हम जाएंगे पंग टू मनाली। चले भाई, चलो। सो कैसा लगा पेंगोंग आके? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे पेंगोंग के बारे में? वन टाइम विजिट है मेरे हिसाब से तो। वन टाइम विजिट है, मतलब पूरा ले लद्दाख एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए, दो तीन बार आओ तो वो तो आपकी मर्जी है। सो ये दक्ष भाई थे और महर्षि, ये दोनों लोग गुजरात से आए थे, तो कल भी हम लोग साथ में थे, अभी भी मिले, बढ़िया लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लद्दाख आके? बाइक ही हमारा मेन मोटिव था इधर आने का। हाँ, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, ब्यूटी बहुत है यहाँ पे। हाँ, तो बस बहुत मजा आया। ट्रैवलिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको अलग अलग दोस्त बनाने को मिलते हैं। कल दुर्बुक में भी बहुत सारे लोग मिले थे हमें, एक लोग तो ऐसे मिले थे जो नोएडा में ही रहते, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं के थे, कल नाइट में मिले थे वो, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। ये दोनों भाई थे गुजरात से, अहमदाबाद से आए थे ये दोनों। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर एंड देट इज़ ब्राउन कलर। सो क्या रहा है, सनलाइट की वजह से इधर ब्लू पड़ रही, यहाँ माउंटेन्स का थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है इसकी वजह से ये ब्लू लग रहा है, और वहाँ पर एकदम ब्राउन कलर के माउंटेन्स है तो वो पानी ब्राउन लग रहा है। और ये पानी का कलर अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट एंड कलर ऑफ माउंटेन्स। क्या बात है, बहुत तगड़ा व्यू है। फिलहाल चलते हैं आगे किसी अच्छे पॉइंट पे बाइक लगा के, वहां से देखेंगे। वो छोटे से आपको शायद स्कूटर दिख रहे होंगे, ये वही है, ऑल इज वेल वाले मेन पॉइंट यही है फोटो क्लिक कराने के। ये छोटे छोटे टेंट हाउसेस बने हुए, कल हम जब रात को आए थे ये सब फुल हो गए थे, एक भी नहीं मिला था। लद्दाख आने के लिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि लेह में आते हैं बाई फ्लाइट और वहां से बाइक रेंट करते हैं, बट जो बाइक रेंट करते हैं उसमें एक इशू जरूर आता है। कल भी दो तीन लोगों के साथ हमने एक इशू देखा था कि क्लच वायर वगैरह टूट जाते हैं, क्योंकि वो रेंटेड गाड़ियां होती हैं, उनको लोग अच्छे से नहीं चलाते जिस तरह हम अपनी बाइक चलाते हैं। अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी तो एक बार पूरी सीरीज जरूर देखो। और यहाँ पे बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है, कल 100% चार्ज मैंने GoPro में बैटरी लगाई और मेमोरी कार्ड लगा के मैंने रेडी करके रख दिया, बट मॉर्निंग में जब देखा GoPro ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या किया उसकी बैटरी देखी 0%, बहुत तेज बैटरी ड्रेन होती, फिर सारी चीजें चार्जिंग पे लगाई। सो इसी रोड पे थोड़ा सा आगे आए, सो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इसी तरह के कैंपिंग और वो सारा सेटअप है, टेंट हाउस है और वुडन हाउसेस भी हैं, एक देखिए यहाँ पे एक वो आगे है। तो कल रात में जब हम इधर आए थे तो अगर हम आगे भी चले जाते तो यहाँ भी स्टे करने को मिल जाता और उसके आगे भी स्टे करने को मिल जाता। सो मैं रोड पे थोड़ा आगे इधर तक आ गया था, एक्चुअली कैब भाई दिखे नहीं तो मुझे लगा पता नहीं किधर होंगे, हो सकता आगे हो, इसलिए मैं आगे तक आया था। सो ये दो लोग मिले थे, इन्होंने बोला कि पीछे एक शूटिंग पॉइंट है, मोस्टली टूरिस्ट वहीं तक आते हैं, तो आई थिंक हो सकता है वो उधर की तरफ टर्न ले गए हो। यहाँ पे कैंपिंग का बहुत बड़ा सेटअप लगा रखा है, कैंपिंग भी है, वुडन हाउसेस भी हैं, और सामने है वो व्यू पॉइंट जहाँ पे शूटिंग हुई थी 3 इडियट की। मैं वहीं पे जा रहा हूँ, एक्चुअली कैब भाई मेरे साथ नहीं है, सो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आई थिंक वो उधर ही होने चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा आगे चला गया था। सो यहाँ पे मिल गया कैब भाई, मैं आगे उस ब्लेस तक गया था, यहाँ पे आगे से टर्न था बट यहाँ पे वो दिखे नहीं तो मैं आगे ब्लेस तक गया, फिर बाद में रिटर्न आया। अब हम लोग जा रहे हैं उस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पर क्या सारा ब्राउन वाटर है और उधर की तरफ है ब्लू वाटर, तो देखते हैं वहां पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं अगर सही व्यू आए तो। बाकी उधर वो स्कूटर और वो सब है जो आपने 3 इडियट में देखा होगा।
क्या ब्यूटीफुल व्यू है, वाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए, अप्रॉक्स 45 मिनट्स हो गए। बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई, बहुत सारे वीडियो बनाए, और उसके बाद यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, एकदम वाइट है। यहाँ पर इस पानी में कोई स्पीसीज नहीं होती है, फिश नहीं होती है, और कहा जाता है ना पानी का कोई कलर नहीं होता, वो चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर है। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर, लेकिन यहाँ पे ब्लू वाटर, आगे थोड़ा सा ग्रीनिश है, और ये पूरा ब्राउन वाटर। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। लाइफ में कभी भी मौका मिलता है तो एक बार पेंगोंग लेक जरूर आइए। मैं तो कहूँगा पूरा लद्दाख एक बार एक्सप्लोर करिए। सांस फूल जाती है थोड़ा सा चलने में। हम लोग खारदुंग लगे, वहाँ ब्रीदिंग कोई इशू नहीं आई, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों थोड़ा सा भी चलते तो सांस फूल जाती है। अभी एक बार बाइक पे बैठेंगे ना, सब टेंशन खत्म, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये देखिए व्हाइट माउंटेन, सैंड माउंटेन, रॉक माउंटेन, ब्लैक, ब्राउन, इनका कलर एकदम डिफरेंट है, लाइट ब्राउन कह सकते हैं। पीछे है थ्री इडियट शूटिंग पॉइंट, जहाँ पे थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। हम वहाँ पे जाते कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। भैया एक बार चार्जेस बताना। 50-50 तीनों का, ड्रम का भी, स्कूटर का भी, इसका भी है। और आर्चरी का क्या? 1 एरो 20। अब टाइम है यहाँ से निकलने का। बाय बाय पेंगोंग, कैब भाई खड़े हैं वहाँ पे। ये है पेंगोंग का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे फर्स्ट व्यू पॉइंट भी कहते हैं। सो फिलहाल कल जो शोक वाली रोड बन रही थी उसी का आज इनॉग्रेशन है, तो थोड़ी देर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, बाइक खड़ी कर दी, रोड अभी बंद कर रखा है। A few moments later. निकल जाएगी, बैक करोगे आगे से निकालोगे, निकल जाएगी। यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही थी, ये रोड था जिसका कल कंस्ट्रक्शन हुआ, आज इनॉग्रेशन। अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है। वीडियोग्राफी में ड्रोन शॉट वगैरह भी ये लोग ले रहे थे। बहुत लंबा है, रुक जाओ यहीं रोक लो। टाइम हो रहा है 2, ये रास्ता पीछे अब जा रहा है ये वाला लेह के लिए, चांगला खरू होते हुए ये जाएगा लेह। बट हमारा प्लान ये, अगर हमें रास्ते में पेट्रोल पंप मिल गया तो हम लेह नहीं जाएंगे, एंड आई थिंक खरू के पास में पेट्रोल पंप है। सो जहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा वहाँ से टैंक फुल कराएंगे, और फुल कराने के बाद फिर हम निकल देंगे पांग की तरफ। फिलहाल पेंगोंग के बारे में एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि पेंगोंग लेक 134 किलोमीटर लंबी तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पेंगोंग लेक की जो मैक्सिमम विड्थ है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो है 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर विड्थ है उसकी मैक्सिमम। तो यहाँ पे चल रहा है रोड का कंस्ट्रक्शन का काम, ये ब्रिज और इसके नीचे बहता पानी, मजेदार फीलिंग आती है इसमें। कैब भाई ये जो कोटेशन इसमें लिखी रहती है ना, अगर ठीक ठाक स्पीड में भी जा रहे हो ना तो पढ़ने के बाद अपने आप ही स्लो हो जाती है बाइक। हाँ एक दो में लिखा था कि लेट योर पॉलिसी मैच्योर बिफोर यू, एक में लिखा था डिवोर्स स्पीड, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जगह है टिशोल्टक, खरू है 50, यहाँ पे रुके थे। व्यू बहुत अच्छा, पानी बहते हुए जा रहा है, वहाँ पे घोड़े वगैरह है, शानदार व्यू। हम लोग पहुँचने वाले, और यहाँ से ये जो ऊपर गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही है आपको, ये सारा जा रहा है चांगला। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और काफी ठीक ठाक यहाँ पे पीछे हमको ऑफ रोडिंग मिली है, वो देखो लोग जा रहे हैं ऊपर, ठीक ठाक इंक्लाइंड है रोड, इसी पे चलना है अपने को। कंटिन्यू इसी तरह का ऑफ रोड मिल रहा है, सामने फ्रेश स्नो, वहीं ऊपर ही चांगला पास भी है। लद्दाख राइड करके ना मजा आ गया, बहुत ही एडवेंचरस राइड है, हर चीज यहाँ देखने को मिली, और बेवफा मौसम भी जो कभी भी बदल जाता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ये देखो हुंडई इयोन केरला टू कश्मीर, वाह यार इयोन लेके बंदे लद्दाख में घूम रहे हैं, और वो भी केरला से लेके आए हैं। लोग यहाँ आने के लिए वेट करते हैं, बढ़िया गाड़ी हो तब जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इयोन लेके आगे चले आते हैं। फाइनली वी आर एट चांगला पास, यस दिस इज चांगला पास, आ गए इधर। वेट करता हूँ 2 मिनट कैब भाई का। मेरे पीछे ये है चांगला पास, और यहाँ पर है ये ऊपर माता का मंदिर, और पीछे के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये पूरा स्नो माउंटेन स्नो से कवर्ड है, और यहाँ पूरा व्यू बहुत खूबसूरत है। ये है 17,688 की हाइट पे, बट यहाँ पर आने के बाद किसी तरह का ना कुछ ब्रीदिंग का इशू लग रहा है ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है पेंगोंग पे हमें ज़्यादा थकावट हो रही थी, ज़्यादा सांस फूल रही थी, यहाँ आने के बाद एकदम रिलैक्स है, हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही। और हमारे पीछे यहाँ पर ये है कैफ़े जहाँ पर हमने चाय पी, पानी पी लिया है। अब टाइम है यहाँ से निकलने का,
खारू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर होगा। और हाई पास अपनी लिस्ट से चेक हो गया, बट इस जर्नी कंप्लीट करते करते दो तीन पास और है। बारा लाचला आएगा, सरचू जिसपा वहाँ पर भी ठीक ठाक है, बारा लाचला भी है अभी। तो यहाँ से वो जो नीचे रोड जा रहा है वहाँ पे हम लोग को जाना है, इस माउंटेन से नीचे होते हुए। अगर किसी को ले से पैंगोंग आना है तो यही रूट है। बताओ क्या कंडीशन है, कंटिन्यू ऐसा ही रोड मिल रहा है हम लोग को। सामने का व्यू जितना ब्यूटीफुल है, मेरे राइट साइड का व्यू उतना ही स्कैरी है, हिम्मत नहीं पड़ रही देखने की। और हम लोग को जाना है बहुत नीचे, वो उधर दिख रहा होगा आपको, बाइक्स वगैरह व्हीकल्स दिख रहे होंगे वहाँ पे, उधर की तरफ हमें जाना है। काफी देर से ऑफ रोडिंग चल रही थी, अभी ठीक रोड मिल गई है। अभी हम लोगों को यहाँ पे इन्होंने रोक दिया है, और इनका कहना है कि आगे ब्लास्टिंग हो रही है रोड बनाने के लिए, और जब ब्लास्ट हो जाएगा उसके बाद ये रोड क्लियर होगी। वो सिग्नल दे रहा है शायद, है ना, सो इधर तो नहीं आएगा ना कुछ। रोड बनाने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट करने जा रहे हैं लोग एडवेंचरस राइड में, ये भी देखने को मिल रहा है। हम लोग इस रास्ते से आए, देखिए ये पूरा यहाँ से ऐसे घूम के जा रहे हैं, और अभी अप्रॉक्स हमें 15,000 पे, ये देखो सारे लोग भागने लगे, यानी कि अब वहाँ पे करने जा रहे हैं। ये देखो आग लगा दी इन्होंने ब्लास्ट करने के लिए, बहुत तेज आवाज आती है क्या, पत्थर साइड वाले तोड़ रहे होंगे ना, बीच रोड में है, बीच रोड में आ गया है क्या, गिर के आया कैसे। अच्छा अभी कटिंग करी है रोड बनाने के लिए, वहाँ निकला है, जैसे बत्ती जलाया ना, हाँ? आपको भागने का तो फिर उसके बाद में फूटेगा। के जितने लोग थे वो सब पीछे चले गए, वहाँ जाए। ओह माय गॉड, ये देखो और एक और आए। सो एक ब्लास्ट हो गया है अभी, अभी इन्होंने कहा तीन है कि दो हैं, और कंफर्म अभी तीन बोल रहे, पता चला हम जाए और जय माता दी। बत्ती जलाएगा कि पता नहीं हमें, यार पता करो पहले। फिलहाल जाने के लिए बोल दिया, एक सेकंड रुक के देखूं कैब भाई कहाँ है। सो इस राइड में मजा आ गया भाई, ये भी देखने को मिल गया, अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या था। ओके सो ये था ब्लास्ट, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या, रोड बनाने के लिए रोड प्लेन कर रहे थे, सो एक बड़ा सा पत्थर निकला। अब उस बड़े पत्थर को क्या है, कुछ कर नहीं सकते थे, कट नहीं कर सकते थे, तो ब्लास्ट के थ्रू डायनामाइट से उड़ा दिया। अब क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़ों को ये हटा देंगे। रोड फिर से वैसी ही यार, पता नहीं कहाँ तक कब तक ऐसे रहेगी। बढ़िया वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा कहीं ब्लॉक ना कर रखा हो। बहुत टफ होता है बीआरओ का काम, ट्रैफिक मूवमेंट भी हैम्पर ना करे और कंस्ट्रक्शन भी हो जाए, इस हिसाब से होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन सब जगह पे रोड बनने में बहुत टाइम लग जाता है। कितनी वाइड और सेफ रोड बना रहे हैं, साथ में इस तरह का बैरिकेडिंग भी बना रहे हैं जिससे सेफ्टी रहे, सो अच्छा है। आज थोड़ा सा कष्ट है, बट आने वाले टाइम में आने वाले लोगों को बहुत सेफ रहेगा। करूँ अब यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर बचा हुआ, और बहुत अच्छी रोड आ गई है, काफ़ी देर ऑफ रोडिंग करी, 18-20 किलोमीटर की तो ऑफ रोडिंग रही है। चांगला से निकलने के बाद कंटिन्यू बीच बीच में ऑन ऑफ हो रहा था रोड, और यहाँ पर आके तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हुई। फाइनली अब हम लोग आ गए खरू में, ले है यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर, और ये है खरू मार्केट, छोटा सा एक ये टाउन है, होटल्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं बाइक, पहले पीते हैं चाय, फिर आगे का डिसाइड करेंगे, क्योंकि पांग है 141 किलोमीटर। कैब भाई गए हैं पता करने के लिए कि यहाँ से रोड कैसी है, अगर रोड खराब हुई तो अलग डिसीजन होगा, और रोड सही हुई तो अलग डिसीजन होगा। दो दिन के बाद नेटवर्क में आए, पैंगोंग वगैरह में नेटवर्क नहीं था, सिर्फ BSNL चलता था, वो भी इधर उधर जाके कभी कभार कॉल लगती थी, कभी नहीं लगती थी। तो फाइनली अब हमें करूँ मैं, टाइम हो रहा है 5:30 इन द इवनिंग, और मेरे पीछे ये जो व्यू है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस रिवर का नाम है सिंधु रिवर, और अप्रॉक्स 5 बजे हम लोग आ रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, तो हमें मिले कुछ पंजाब से लोग जो यहाँ ट्रेवल करके आए मनाली के थ्रू। उन्होंने हमें बताया कि अभी पांगी जाना सही नहीं रहेगा, आप जाएंगे रोड तो ठीक है, बट वहाँ स्टे करने के लिए ना आपको होटल मिलेंगे ना कुछ, सिर्फ टेंट वाले स्टे मिलेंगे। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप यहाँ से सुबह निकलिए, सुबह 6 बजे निकलिए, आप आराम से वहाँ मनाली पहुँच जाएंगे। और बीच में उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ख़तरनाक वाला ऑफ रोड मिलेगा अप्रॉक्स 65 किलोमीटर के लिए, मिट्टी जो रहेगी वो कम से कम 1-1 फुट की भी कई जगह पे मिलेगी, बहुत खतरनाक रोड कंडीशन मिलेगी। सो उन्होंने सजेस्ट किया कि दिन में जाइए पैंगोंग और चांगला पास, दोनों ही अच्छे थे, दोनों घूमे, उसके बाद जो ऑफ रोडिंग मिली वो तो नेक्स्ट लेवल थी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए, थोड़ी देर लोकल मार्केट में घूमेंगे, वॉक करेंगे, क्योंकि आज टाइम हमारे पास है बहुत ज़्यादा और मौसम है बहुत अच्छा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।